कोरोना का संक्रमण अब दिल्ली में कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना संक्रमण के चलते करीबन 357 लोगों की ने दम तोड़ा है और उनकी जान जा चुकी है। कोरोना वायरस से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ अस्पताल मरीजों से फुल हैं, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी ने संकट और बढ़ा रखा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो मरने वालों की बढ़ी हुई संख्या से पूरी दिल्ली खौफ में है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 357 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दिल्ली में अब तक 10,04,782 लोग संक्रमित हुए हैं और 13,898 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अब तक 8,97,804 मरीज ठीक हुए हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से काफी संख्या में मरीज जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सहयोग मांगा है। केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली की मदद कर रही है, लेकिन कोरोना की गंभीरता इतनी ज्यादा है कि उपलब्ध संसाधन नाकाफी साबित हो रहे हैं। कोरोना की मार से कई राज्य बुरी तरीके से पीड़ित हैं। हर दिन संक्रमण और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश भर में कोविड की खतरनाक लहर की वजह से हर शख्स परेशान है। ज्यादातर राज्य खतरनाक वायरस के कहर से कराह रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक तरफ बड़ी तादाद में संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। ये हाल किसी एक राज्य का नहीं, हर जगह ऐसी ही डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,918 केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 16,731 नए केस, 218 की मौत। बंगाल में एक दिन में 14,281 नए केस। बिहार में एक दिन में 12,359 लोग कोरोना संक्रमित। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 15,355 नए केस। कुछ ऐसे ही हालात बाकी राज्यों में भी हैं। कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में भी कोरोना की वजह से हालात काफी खराब हैं। इन राज्यों में संक्रमण और मौत दोनों काफी तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में कर्नाटक में 29,438 केस सामने आए हैं। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना से 208 लोगों की मौत। गुजरात में एक दिन में 14,097 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से एक दिन में गुजरात में 152 लोगों की जान चली गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।